गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अनुपम कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 7.2 में है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इंटीग्रेशन में जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से काम लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो एक्स के रूप में दिया रहता है जनरली, उसे हम किसी अदर वेरिएबल में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। और अदर वेरिएबल में आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, तब जा करके उसका फिर से इंटीग्रेशन निकालेंगे और जो वैल्यू आप माने हुए हैं दूसरे वेरिएबल का, उसको फिर से पुट करेंगे हम। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए कि log x का होल स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई x i टू dx है। आपके सामने में ये क्वेश्चन है, log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू dx। अब इसको कैसे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, किसको आप क्या मानेंगे कि आपका काम आसान हो जाएगा, तो हम वैसे टर्म को मानेंगे। कोई ट्रिक नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं आना चाहिए, सिर्फ दिमाग लगाना पड़ेगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसमें आपको सिर्फ अपना बुद्धि अप्लाई करना है, अपना दिमाग लगाना है। कैसे, तो ऐसे टर्म को मानेंगे जिसका डिफरेंशियल पार्ट उसी क्वेश्चन में अवेलेबल हो। देखते हैं, अगर हम x को कुछ मान लेते हैं t, अगर हम x को t मान लेते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो 1 होने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम log x को मान लेते हैं, अगर हम log x को कुछ मान लेते हैं, कोई अदर वेरिएबल, अदर वेरिएबल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना चाहिए। आप t ले सकते हैं, आप z ले सकते हैं, आप y ले सकते हैं, कुछ भी, लेकिन x को छोड़ के, x को छोड़ करके लेना है। मान लेते हैं log x बराबर t, मान लेते हैं log x बराबर t है। तो log x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे देख लीजिए कि लेट log x बराबर क्या है, मान लीजिए t, जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे इसे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dt by dx। अब हम क्या करते हैं, इस dx को सामने ले आते हैं, तो ये हो जाएगा dx upon x is equal to dt, ये हो जाएगा dx upon x बराबर dt। अब देखिए dx upon x, तो dx by x के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, dt पुट करेंगे, dx by x के जगह पर क्या पुट करेंगे, dt पुट करेंगे। तो यही क्वेश्चन अब बन जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन है, अब वो किस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, सो ध्यान दीजिएगा। log x है, तो log x को हम क्या मान रखे हैं पहले से, t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। log x है, उसको हम क्या माने हुए हैं, t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर पावर में 2 है। और dx by x, तो dx by x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, dt। यानी यहाँ पर dt लिखने का अर्थ ये है कि अगर हम x वाले जगह पर t को प्लेस कर रहे हैं, तो जब वेरिएबल t के रूप में आ जाएगा, तो उसका जो इंटीग्रेटिंग जो भी कांस्टेंट है, ये dx, जब x था तो dx था, तो जब t रहेगा तो dt हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर x के रूप में छोड़ देते हैं तो बिल्कुल गलत होगा। जैसे इस dx को अगर हम नहीं हटाते हैं तो हमारा काम बिल्कुल गलत माना जाएगा, तब सही नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यह भी प्रयास करना है कि यह जो dx वाला टर्म है वो dt में कन्वर्ट हुआ या नहीं। अगर dx वाला टर्म dt में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं रॉन्ग हैं, कहीं ना कहीं गलत हुआ अपने जगह पर, तब आपको फिर से विचार करने की ज़रूरत है, फिर से समझना पड़ेगा आप।
यानी फिर से रीचेक करेंगे आप। देखिए तो टी स्क्वायर डी टी है, तो टी का पावर टू है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी का पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस सी। टी स्क्वायर है, पावर में जो भी टर्म रहेगा उसमें क्या करेंगे हम, वन को ऐड करेंगे और फिर डिवाइडेड बाई थ्री हो जाएगा। तो टी का पावर टू है, तो टू में एक ऐड करेंगे तो थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस सी। अब देखिए टी क्यू, टी किसको माने हुए थे, लॉग एक्स को, तो टी के जगह पर हम क्या रखेंगे, लॉग एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री प्लस सी। ये रहा आपका फाइनल आंसर, लॉग एक्स बाय थ्री का लॉग एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री प्लस सी। क्वेश्चन है वन बाय एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स आई इंटू डी एक्स, आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आज के लिए, वन बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। इसे क्या करेंगे हम, एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, वन प्लस लॉग एक्स बचेगा। अगर आप इस दोनों में एक्स कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा आपके सामने में, यहाँ से वन बचेगा और यहाँ से log x बचेगा, और ऊपर में क्या है dx है, तो dx ऊपर में जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। अब हमें ये सोचना है कि कौन से टर्म को कुछ मान लेते हैं ताकि वो चीज़ इसी में मिल जाए फिर से। तो देखते हैं वन प्लस log x, अगर वन प्लस log x को हम कुछ कंसीडर कर लें t के रूप में, अदर वेरिएबल के रूप में, तो मेरा काम हो सकता है। देखिए वन का क्या होगा, जीरो, लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स और फिर डी एक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम कन्फर्म हैं कि हमें वन प्लस लॉग एक्स को किसी अदर वेरिएबल में रिड्यूस करना चाहिए, यानी वन प्लस लॉग एक्स के जगह पर हम किसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, टी को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता देते हैं लेट वन प्लस लॉग एक्स बराबर टी, वन प्लस लॉग एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पर टी है और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा ये। अब सुनिए जीरो प्लस वन बाई एक्स क्या हो गया, वन बाई एक्स, या जो नीचे में डी एक्स है इसको सामने में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। अब देखो वन बाई एक्स डी एक्स, वन बाई एक्स डी एक्स, वन बाई एक्स डी एक्स, इसके जगह पर क्या रखेंगे हम, डी टी। इसके जगह पर हमको क्या रखना चाहिए, डी टी, और नीचे में वन बाई एक्स डी एक्स, वन बाई एक्स डी एक्स, इस पूरे के जगह पर क्या आ गया, डी टी, और नीचे में क्या है, वन प्लस लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स को हम क्या कंसिडर किए हुए थे, टी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, टी, यानी कुल मिलाकर के क्या हो गया, वन बाई टी डी टी। तो वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग टी, जैसे हम बताए थे कि वन बाई एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स, तो वन बाई टी डी टी का क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस सी लॉग, चूँकि लॉग के आगे मोड लगता है, मोड लगाने के पीछे रीजन यही है कि लॉग वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है। टी, टी के जगह पर क्या माने हुए थे, वन प्लस लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर, यही हमारा इंटीग्रल का आंसर आ गया।